नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये सर्कल शेप का डोरमेट बनाना सीखेंगे। इसे आप पुरानी साड़ी, चुन्नी या फिर कोई भी पुराना कपड़ा हो उससे बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसकी 8 कली बनाई हैं। आगे की कली में हम इसका डिज़ाइन आपको बनाना सिखाएंगे। इसी में यहाँ पर मैंने दो दो के पेयर से फंदे लिए हैं। आप इससे बड़ा बनाना चाहें तो दो दो के पेयर से और ज़्यादा फंदे भी ले सकते हैं। ये 16 फंदे का है। आप इससे बड़ा बनाना चाहें तो दो दो फंदे जोड़ते हुए 18, 20, 22, 30, 40, जो भी आप जितना भी बड़ा बनाएं उसके अकॉर्डिंग फंदे ले लें। और दो कलर मैंने इसमें यूज़ किए हैं। एक कलर से ग्रीन से फंदे डाले हैं। ये देखिए, फंदे मैंने यहाँ से बनाए थे, हरे कलर से डाले थे, तो वैसे ही यहाँ से शुरू करेंगे। फंदे लेने के बाद ये देखिए, ये फंदे, ये वाली जो कली है उसमें एक एक लाइन एक एक कलर से बनाई है। पूरी सभी कलियों में ऐसे ही ये पैटर्न चलेगा। मैं आपको इसकी एक कली बताती हूँ। यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रही होगी ना अलग से, ये देखो, एक जो बड़ी लाइन है ना हरी वाली, ये वाली, यहाँ से इसकी एक कली बनना स्टार्ट होगी। वो फिर दूसरी लाइन दूसरे कलर से ऐसे बनते हुए छोटी लाइन होती गई हैं और यहाँ तक एक लाइन एक कली बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए, इसमें ऐसे करके कलियाँ बनी हुई हैं। अब देखिए कली को बनाना कैसे है। फंदे लेने के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये ग्रीन कलर से फंदे लिए, तो अब जो इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए, यहाँ से दूसरे कलर से बनाएंगे, सेंटर की तरफ से, सॉरी, किनारे की तरफ से ये हम शुरू कर रहे हैं। बाहर का किनारा है ना सर्कल का, उधर से हमने धागे को चेंज करते हुए ये उल्टे उल्टे फंदे बनाए हैं। 4, 5, जो भी फंदे हों आप उनको ऐसे बनाते जाइए। और लास्ट में आपको इसमें ये ग्रीन वाले फंदों में से ही दो फंदे छोड़ने होंगे, बिना बुने छोड़ने हैं। ये काफ़ी इजी पैटर्न है। आप इससे, ये देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग से हमने इन सब फंदों को बनाते हुए यहाँ तक आना है और लास्ट के सिर्फ दो फंदे छोड़ने हैं। ये पहली लाइन है, ठीक है, इस तरह से। ये इनको बनाना नहीं है, छोड़ने का मतलब है इनको बुनना नहीं है। इस कलर से इनको इसी सिलाई पर रहने देंगे और ये वाला धागा यहीं से दूसरी साइड में मोड़ देंगे। फिर इधर की साइड आएंगे, ये सीधी साइड है, इधर से इन फंदों को उल्टे उल्टे ही रो में फिर से बना लेंगे। ये देखिए, तो ये एक साइड से हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल फंदों को बुनते जाना है। सिर्फ एक साइड से दो फंदे छोड़ने हैं, बाकी तो सिर्फ उल्टा उल्टा बनाते जाना है। ठीक है, ये देखिए, इसकी एक लाइन बन गई, काफ़ी इजी है। इसी तरह से इसकी दूसरी लाइन भी बनाएंगे। यहाँ से देखिए, अब हम इधर आएंगे और ये उल्टी साइड है। अब यहाँ से शुरू करेंगे तो कलर चेंज कर देंगे। हर बार हमें कलर चेंज करना है यहाँ से, तो ये दूसरे कलर से अब फंदे बनाएंगे। ऐसे फंदे बनाते हुए हम लास्ट में इसके भी दो फंदे छोड़ देंगे। ये देखो, हमने अब ग्रीन कलर से शुरू किया, यहाँ तक बनाया, अब इस वाली लाइन के दो फंदे छोड़ेंगे, तो इस कलर के फंदे छूट गए ऐसे। अब इधर की साइड से ये ग्रीन कलर के पूरे फंदे बना लेंगे वापस धागे को ऐसे करके। ये देखो, हमने इसकी दूसरी लाइन भी बना ली। तो ऐसे ही करते हुए हमें एक एक लाइन को कलर बदलते हुए और दो दो फंदे छोड़ते जाना है। आप कितने भी बड़े साइज़ का बना रहे हैं तब भी ऐसे ही बनाते जाइए। यहाँ से अब हम फिर से दूसरे कलर से शुरू करेंगे, यहाँ से फंदे, और यहाँ पे दो फंदे इस कलर वाले छोड़ देंगे। तो ऐसे ही आपको यहाँ तक आना है, दो फंदे लास्ट के रह जाएँ वहाँ तक ऐसे ही बनाना है।
आप चाहे बड़ा बना रहे हैं तब भी वहाँ तक ऐसे ही बना लीजिए। यहाँ तक बनने के बाद आपको आगे किस तरह से फंदे बनाने हैं वो बताएंगे। पहले हम इसको दो दो फंदे ऐसे ही छोड़ते हुए और कलर बदलते हुए इस वाली कली को यहाँ तक दो फंदे रह जाएं वहाँ तक बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बना के दिखाते हैं। ये देखिए हमने दो दो करके इसको और कलर बदलते हुए यहाँ तक बना लिया। अब ये पूरी कली बन गई, बस लास्ट में इसकी एक लाइन रह गई है, उसको कैसे बनाना है देखिए। इस वाली लाइन में हमारे जो फंदे हैं वो दो फंदे एक कलर के, दो दूसरे कलर के हैं। अब हमें लास्ट में एक कलर से ही, ये देखिए मैंने ये राउंड ग्रीन फंदे डाले थे ना पूरे स्टार्टिंग में, तो अब हम इसको लास्ट में ग्रीन फंदे से ही यहाँ तक पूरा बना देंगे। आपके पास जो भी कलर आएगा लास्ट में आप उसी से इन सभी फंदों को इसमें बनाइए। तो लास्ट में बस आपको यहाँ से शुरू करना है और सब फंदों को बुनते हुए एक ही कलर से जाना है। तो फिर उसके बाद यहाँ से फिर नई कली शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे एक कली पूरी बंद हो गई, ये देखिए अब हम ये पूरे एक कलर से बना देंगे। यहाँ से आप चाहे तो दूसरा कलर भी जोड़ सकते हैं, मल्टी कलर में बना रहे हैं तो जो कलर जोड़ेंगे वो यहीं से जोड़ेंगे। ठीक है, जब ये दो दो करके पूरे फंदे हो जाएं उसके बाद लास्ट में आपको एक कलर से इन सभी फंदों को बुनते हुए लास्ट तक जाना है। और देखिए ये कलर मैंने उल्टी साइड से ही जोड़ा है। ये लास्ट तक जो भी फंदे जितने भी हैं आपने किसी भी साइज़ का बनाया है, जितने भी फंदे लिए उन सबको आपको इसी तरह से इसमें बुन लेना है और दोनों साइड से बनाने पर इसकी एक लाइन बनेगी। तो हमने इधर से बना ली, अब हम इधर से भी इसको पूरा बना लेंगे। तो ये वाली लाइन, ये देखिए बड़ी वाली लाइन थी वो यहाँ पर आ जाएगी, फिर दूसरी कली शुरू हो जाएगी। जैसे हमने इसको बनाया था वैसे ही फिर दूसरी कली भी बनाएंगे। पहले हम इसको बना लेते हैं। ये देखिए इधर से हमने कोई फंदा अभी नहीं छोड़ा है इस वाली लाइन में, लास्ट वाली में कोई फंदा नहीं छोड़ते। तो इसको पूरा यहाँ तक बना लेते हैं। ये देखिए इसकी सीधी सीधी साइड है ये। अब देखिए एक कली और बन गई इसकी। ऐसे ही हमें इसके आगे और कली बनाते जाना है और इसको राउंड शेप में जब तक ये पूरा ना बन जाए तब तक ऐसे ही रिपीट करके इन कलियों को बनाना है। तो एक दो तीन जितनी भी कली बनती जाए आप इसको ऐसे फैला के देख लीजिए, यहाँ पर कोई झोल नहीं आनी चाहिए, तब ये पूरा सर्कल बन जाएगा। उसके बाद इसके फंदे को बंद करेंगे और फिर जोड़ेंगे। तो वो मैं इसको पहले पूरा बना लेती हूँ राउंड सर्कल, उसके बाद आपको इसको फंदे बंद करना और जोड़ना भी बताऊँगी। ठीक है, तो आप इसी तरह से बनाइए, काफ़ी इजी और अच्छा भी लगेगा, जल्दी भी बन जाएगा। इस तरह से सिंपल है ये बनाना, पूरा सर्कल बना लेते हैं। ये देखिए हमने इसको पूरा बना लिया। अब इसके बाद जो लास्ट में फंदे आते हैं उनको हमें बंद करना है, यानी कि ये देखिए बंद करने के लिए किसी भी डोरमेट को आप ऐसे बंद कर सकते हैं। इन फंदों को लास्ट में दो फंदे लेंगे और उसको एक साथ बन देंगे, फिर जो एक फंदा आएगा उसको वापस इसी सिलाई पर लेंगे और उसके साथ एक और फंदा मिलाएंगे, यानी दो फंदे ही फिर से हो गए, फिर इनको बुनेंगे, फिर एक फंदा आ जाएगा, फिर उसको ऐसे दूसरे फंदे के साथ मिलाकर बुनेंगे। तो ऐसे करके ये जो फंदे हैं वो इधर की साइड से बैक से ये देखिए बंद होते जा रहे हैं और चैन भी बनती जा रही है। लास्ट तक हम इसे ऐसे ही बंद कर लेंगे सभी फंदों को ये लास्ट में, फिर इसको कट करके यहाँ पे नॉट लगा देंगे और ये दोनों किनारों को ऐसे आपस में बराबर करते हुए मैच करके उल्टी तरफ से सुई धागे से या किसी भी मजबूत धागे से आप इसकी सिलाई करके जॉइंट कर लीजिए, तो बहुत ही जल्दी ये बन जाएगा। आपने पूरा वीडियो देखा,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।